प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मासूम की गर्दन में चोट के गंभीर निशान थे। इसके अलावा पड़ोसी के घर पर पूजा की तैयारी भी चल रही थी। घर के भीतर ही देवस्थल की साफ सफाई, फूल, निशान व गड्ढे खोदने का भी स्थान मिला। बताया जा रहा है आरोपित दंपति ने घर में ओझा गिरी और तंत्र मंत्र क्रियाएं किए जाने की भी बात स्वीकार की है। घटना के बाबत एडिशन SP अशोक कुमार ने बताया कि आरोपित दंपति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर हत्या आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। काल 6 बजे गाय भई, अब पुलिस के पास आज सुबह सोचना देना है, और उसके बाद सगल छांतर कह रहा पुलिस आई सहांतर कह रहा सगल हेरी थी साहेब नहीं पाई थी तो फिर इन सगल घेरा दे कुआं है डावा इंदारा है डो नहीं पावत छत पे चढ़ा हमको घर घर तलाशी ले साहेब घर घर तलाशी ले लगे साहेब तो वही की मेरी बेटी का मेरी ननन देखी मेरी बेटी का फाफड़ के नीचे मूंदे रहे मूंद के लगे मैं के पीछे तरफ मेरी ननन देख ली साहेब और कल पूजा पाठ उसके रहा है इतना देखे हो साहेब बस और पीछे के आगे नहीं जाना। पूजा पाठ करते हैं क्या? हाँ कल पूजा पाठ करी काहे की? अरे देवी देवता के क्या नर बलि देने के लिए ले गए? अब भगवान जाने नर बलि दे की गा दे साहेब मेरी बेटी की बलि दी के और का दी। थाना कोखराज में आज दोपहर में एक सूचना मिली कि 4 वर्षीय बच्ची गायब है और इस सूचना पर गांव में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग की गई। जब हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो एक घर से गांव के एक घर से बच्ची का शव मिला है और इस मामले में अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ चल रही है और शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।